एविक्शन जो हुआ है वो इंटरनल पॉलिटिक्स की तहत मैं आई हूँ। बेबुनियादे मैं उन लोगों के बारे में क्यों बोलूँ, इट्स नथिंग टू डू विद मी। यही तो युद्ध है, उन्होंने युद्ध का ऐलान होने ही नहीं दिया, वो डर गए। मुझे अनएक्सपेक्टेड का तो मालूम नहीं है, और बिग बॉस बायस नहीं थे वो। हम लोग शुरुआत में बोलते थे बिग बॉस इसको डांटा इसको नहीं डांटा, वो उस मतलब स्पिरिट में बोला जाता था। बाकी माय जर्नी हैज़ बीन वेरी थ्रिलिंग, वेरी ओवरवेलमिंग। सो जो भी जर्नी थी, एंड एवरी जर्नी हैज़ टू कम टू एन एंड, तो अच्छी जर्नी रही है। इसके बारे में क्या कहूँगी, मंडली ने क्या किया डे वन से, या प्रियंका ने क्या किया, वो तो बाहर से सपोर्ट सिस्टम लेके आई हैं, उन्होंने 12 हफ्ते तक वही किया, और जिसकी जैसे जो चीज़ चली उन्होंने चलाई है। एटलीस्ट मैंने फेक रिलेशनशिप्स नहीं किए हैं, मैंने जब जो चीज़ जिस रिलेशनशिप में फ़ील की है उसको वैसे एक्सप्रेस किया है। और अगर ऐसा होता तो रिज़ल्ट आपके सामने है, कौन कब गया है, कौन कहाँ है। और आज भी मैं एविक्शन जो हुआ है वो इंटरनल पॉलिटिक्स की तहत मैं आई हूँ, मैं वोटिंग के तहत बाहर नहीं निकली हूँ। सो आप आज का एपिसोड देखेंगे तो शायद आपको पता लग जाएगा, बट गुड फॉर देम बिकॉज इट्स अ गेम। आई होल्ड नो ग्रजेस फॉर एनी वन। ऑफकोर्स अगर घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा। सो रिलेशनशिप की बात करें तो गौतम और आपके रिलेशनशिप के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, व्हाट डू यू फील लाइक, आपका स्टेटस क्या है, कि आपको रहना है नहीं रहना है उनके साथ है? वो तो मैं क्लियर कर ही चुकी हूँ, उस चीज़ को बार बार दोहरा के कोई मतलब नहीं है। एक इक्वेशन था जो डेवलप हो रहा था, उसके बाद वो चले गए और मुझे सर्टेन चीज़ें महसूस हुई, और एक स्ट्रिंग सा मुझे थोड़ा सा अटका हुआ लगा, जिसके बुनियाद पे मैंने बोल दिया। और फिर जब शुजिता वापस आए और उन्होंने एक दो चीज़ें मुझसे शेयर करें, उसके बाद मुझे लगा कि अगर अब जो भी कुछ होगा हम देखेंगे बाहर कैसे, हाउ डू वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। मेरे लिए बहुत आसान था उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करके लिंगर करना, आज तक बोलते रहना हाय ये मेरा हाय वो, बट मैंने वो नहीं किया। इनफैक्ट मैंने सामने आके जो बात मेरे दिल में थी खुल के बोली, और मैं ऐसी ही इंसान हूँ, तो दैट्स हाउ आई एम। आई नेवर सेड प्लेड बाय, आई सेड इफ ही हैड प्लेड आई हैव नो क्लू, बट व्हाई वुड समबडी डू समथिंग लाइक दैट। शिव के साथ जो आर्गुमेंट हुआ था तभी आपने कहा था आपको जब नहीं पता है हमारे रिलेशनशिप के बारे में, करेक्ट, यू नो आप किसी को कमेंट ना किया करें, करेक्ट। सो यही चीज तो यू नो हमें जानना है कि व्हाट इज योर थॉट। आई जस्ट टोल्ड यू कि अगर जो चीज होती तो मैंने क्लियरली उस चीज को बोला था, और जब वो जो चीज नहीं थी मैंने वो भी चीज एड्रेस किया है। और इट टेक्स करेज टू गो एंड से समथिंग लाइक दैट, क्योंकि जितना टाइम गौतम थे और मैंने उनके साथ अच्छे से स्पेंड किया, एंड इज़ अ वेरी नाइस गाय, उतना टाइम अच्छा था, बट मैंने उसके बाद वो मेरा वो स्ट्रिंग अटैच नहीं महसूस किया, तो मैंने उस चीज़ को भी व्यक्त किया, और मैंने उससे लंबा समय डबल समय मैंने बिग बॉस में गुजारा, तो डेफिनेटली जो चीज़ मैंने फील की वो मैंने बोली, इसमें मैंने क्या गलत किया। जब आपको बार बार बैजर किया जाएगा, अभी वो जमाना नहीं है कि आपको एक थप्पड़ लगाए तो आप बोलो ये लो मेरा दूसरा गल थप्पड़ मारो, तो कभी कभी आपको वो एनालॉजी अलग है, गुंडों के साथ गुंडा बनना पड़ता है कहते हैं ना, तो आपको जिस टोनालिटी में बोला जाएगा आपको उसी टोनालिटी में बोलना पड़ेगा, क्योंकि शायद उनको भी वही टोनालिटी समझ आती है, और अपनी बात रखने के लिए आपको कभी कभी बोलना पड़ता है। यही तो युद्ध है, उन्होंने युद्ध का ऐलान होने ही नहीं दिया, वो डर गए, इसीलिए उन लोगों ने एक इंटरनल पॉलिटिक्स रची। जब वो लोग मुझे नहीं झेल पाए एक अकेली बंदी को,
कभी बोला कि स्टैंड है, कभी बोला नहीं है, इसके साथ खेलती है, उसके साथ खेलती है। अगर मैं उसी के साथ या किसी के साथ या अर्चना की आड़ में खेल रही होती तो मैं आज बाहर नहीं होती। मैं उन लोगों की तरह जो प्रियंका ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठाया, जिसको वो सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, उन्हें पसंद नहीं करती थी, उन लोगों के साथ उन्होंने हैंग आउट किया, अपना एक पलटन बनाया, फिर मंडली लोगों ने अपनी एक वोटिंग सिस्टम क्रिएट किया। एटलीस्ट मैंने वो सब नहीं किया एंड आई एम हैप्पी एंड आई एम ग्लैड दैट दे आर डूइंग इट वेल। मैं वो इंसान नहीं हूँ जो मैं झूठ मूठ की चीज़ें कर लूँ एक नॉमिनेशन के लिए। मैं वो इंसान हूँ, मैं भीड़ चाल नहीं फॉलो कर सकती हूँ और इससे बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। मैं आज बाहर नहीं होती थी, वरना मेरे भी आज गुडविल पे गुड बुक्स में रहने वाली बातें होती हैं और मैं भी उनमें से दुबक के कहीं ना कहीं बैठी होती। ख़त्म की बात नहीं है, हम लोग जानी दुश्मन नहीं है यार, सब लोग अच्छे हैं, गेम में ऐसे हो जाते हैं आई एम श्योर, और मैं लेट गो करती हूँ बहुत चीज़ों का एंड आई एम वेरी फॉरगिविंग बट आई नेवर फॉरगेट। हैविंग सेड दैट, हम लोग शायद बाहर मिलेंगे तो बहुत अच्छे से मिलेंगे यार। एट द एंड ऑफ द डे वी आर अ गुड एक्टर्स, वी आर ऑल अ गुड ह्यूमन बींग्स। बेबुनियाद है मैं उन लोगों के बारे में क्यों बोलूँ, इट्स नथिंग टू डू विद मी। अभी पूरा जग जाहिर है और आज का आप एपिसोड देखेंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा आई एम श्योर। सो आई वुड रिफ्रेन माई सेल्फ, और मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ तो मुझ में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। आई डोंट वॉन्ट टू पुल एनी वन डाउन जस्ट बिकॉज आई एम हियर टू लेवल माई सेल्फ अप एंड दैट इज मी। सीखा है, पेशेंस सीखा है, सहन शक्ति सीखी है, बहुत सारी चीज़ें लेके जा रही हूँ साथ में, लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं। और हिंदी बोलने की बहुत सारी परतें साफ़ कर ली हैं तो मैंने हिंदी बोलने का बेड़ा भी उठाया है। मेरी हिंदी अच्छी थी, हो नहीं गई है मेरी। ये जो शब्द हैं ये थोड़े ना हमें डिक्शनरी दी जाती है वहाँ पे, ये तो मेरी हिंदी अच्छी है। मैं नॉर्थ से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ और मेरी हिंदी अच्छी है। इट्स जस्ट दैट आई हैव लिव्ड अ सर्टेन पार्ट इन एल ए, और आप वहाँ रहते हो, जब आप काम करते हो आपको वहाँ ऐसे रहना पड़ता है, चीज़ें हो जाती हैं। और हमारी डे टू डे लाइफ में इतनी हिंदी नहीं होती है घर के अलावा, बट और इतनी शुद्ध हिंदी हम नहीं बोलते। जब मुझे ऐसा बोला गया मैंने बोला अब तो मैं करके दिखाऊंगी, बिकॉज मैं वो हूँ, मुझे आता है और मैं क्यों ना बोलूँ। थैंक यू सो वेरी मच, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है और मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है, और शायद आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं आती थी। मुझे और भी ज़्यादा प्यार दें, और उन लोगों को भी प्यार जिन लोगों ने मुझे ट्रोल किया, नेगेटिव बोला, क्योंकि अगर वो मेरे बारे में बात नहीं करते तो मैं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं बनती। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी प्यार रहा है तो मेरे लिए ये है कि मैं और बेटर कैसे करूँ लाइफ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।